नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको पेट से रिलेटेड समस्या है, आपको डेली मोशन नहीं आता, मोशन रुक रुक कर आता है, एक बार में क्लियर नहीं होता, तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो फिजिकल क्लॉकवाइज है, ये पेट के ऊपर क्रिया है, इसको आपको करना चाहिए। और ये आप अपने ऊपर खुद कर सकते हैं, दूसरे को जिसको समस्या है उसको ऊपर कर सकते हैं, घर परिवार में बुजुर्ग है, कोई माता है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई बच्चा है, उन सब के ऊपर ये कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। पेट में हल्का हल्का सा दर्द बना रहता है तो भी आपने ये करना है और बहुत अच्छा है। पेट की किसी भी समस्या में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल लूज मोशन को छोड़कर। अगर आपको लूज मोशन है, दस्त लगे हुए हैं, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। करना क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, ये नाभि है, ये नाभि के चारों तरफ हमारा इंटेस्टाइन का घेरा है। यहाँ से हमारा इस तरीके से मोशन आगे बढ़ता है, यानी कि यहाँ से हमारा पेट आया, पेट से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहाँ से मोशन ऊपर गया, ऊपर से ऐसे जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है और यहाँ से अंदर की तरफ बाहर आ जाता है। अब हमने करना क्या है ये समझ लीजिए कि हमने नाभि के ऊपर हाथ को रखना है। नाभि के ऊपर रखा, ये हुआ। अब हमने इससे ऊपर जो हमारी स्टर्नम बोन है, छाती की हड्डी है, यहाँ से हमने यहाँ जहाँ ये हड्डी खत्म होती है, स्टर्नम बोन खत्म होगी, यहाँ पर हमने हल्के हल्के क्लॉकवाइज करना है और नाभि की तरफ आना है। हल्के हल्के क्लॉकवाइज करना है, नाभि की तरफ आना है, हल्के हल्के क्लॉकवाइज करना है, नाभि की तरफ आना है। तो नाभि से नीचे आना है, फिर नाभि से नीचे आ गए हम और फिर यहाँ से हम इधर की तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ जाएंगे, यहाँ इस तरफ जाएंगे। जैसे जैसे मोशन बढ़ेगा हम वैसे वैसे क्लॉकवाइज करेंगे, वैसे वैसे क्लॉकवाइज करेंगे और यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि हम स्टर्नम बोन से ये ट्रांसवर्स कोलोन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मोशन आएगा तो हम ऐसे ऐसे आएंगे और फिर नीचे मोशन आता है, फिर हम डिसेंडिंग कोलोन की तरफ आएंगे और डिसेंडिंग कोलोन से हम नीचे की तरफ आएंगे, जहां हमारा रेक्टम का हिस्सा है, यहां पर हम क्लॉकवाइज करेंगे। यानी कि अब हम अगर इसको समझें तो हमने क्या करा है, स्टर्नम बोन जहाँ ख़त्म हुई, यहाँ से हमने क्लॉकवाइज करना शुरू करा नाभि तक, नाभि से थोड़ा नीचे गए, यहाँ से हम राइट साइड में आए, राइट साइड से हम ऊपर की तरफ गए, ऊपर से हम फिर सीधे लेफ्ट साइड की तरफ गए और लेफ्ट साइड से आप नीचे की तरफ आइए और नीचे से आप जहाँ पर हमारा लोअर एब्डोमेन है यहाँ पर आइए, इसके ठीक पीछे एनस का पार्ट है, तो इसी हिस्से में, इसी डायरेक्शन में हमने क्लॉकवाइज करना है। ऊपर से नीचे की तरफ क्लॉकवाइज करिए और यहाँ से नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ से आप इधर आइए और इधर से आप ऊपर चले जाइए और ऊपर से फिर सीधे जाइए, सीधे से इधर आइए, इधर से आप फिर नीचे की तरफ आइए और यहाँ पर आकर ख़त्म करिए, है ना। तो यानी कि स्टर्नम बोन से नीचे, नीचे से नीचे और यहाँ से इधर, इधर से ऊपर, ऊपर से सीधे, सीधे से नीचे, नीचे से। अब इसको समझ लीजिए, मैं बोलकर बताता हूँ। स्टर्नम बोन छाती की हड्डी जहाँ ख़त्म होगी उससे नीचे नाभि की तरफ, नाभि से थोड़ा सा नीचे और जब नीचे की तरफ से फिर आप राइट मुड़ जाइए, राइट से आप ऊपर की तरफ जाइए, ऊपर से जैसे ही हड्डी शुरू हो जाए, रिब्स का हिस्सा शुरू हो जाए, आप लेफ्ट की तरफ मुड़ जाइए और लेफ्ट से नीचे की तरफ आइए और ये जैसे ही ये पेल्विक बोन आपसे टकराए इससे नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पर इसके ठीक पीछे आपका पेनिस का हिस्सा है, एनस का हिस्सा है, यहाँ पर आकर इसको क्लॉकवाइज को ख़त्म करना है। इस तरीके से आप क्लॉकवाइज करेंगे तो आपके मोशन आगे बढ़ता चला जाएगा, अच्छी तरीके से बढ़ेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा।